जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया से जब मीडिया के कर्मी पूछे कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि शिक्षक भर्ती उनकी प्राथमिकता में है और तीव्रता से वह इस पर काम भी कर रही हैं। अर्थात उनके कहने का आशय यह था कि कमेटी के निर्णय के आने के उपरांत ही वह भर्ती प्रक्रिया UPTT आदि के संदर्भ में काम आगे बढ़ा पाएंगी। आज के न्यूज़पेपर में इन सब बातों का जिक्र बहुत डिटेल से दिया गया है। तो यदि आप शिक्षा सेवा चयन आयोग के लेटेस्ट अपडेट को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि DLED के प्रशिक्षु अभी भी वहां जमे हुए हैं और वह कह रहे हैं कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक हम लोग धरना से उठेंगे नहीं, क्योंकि धरना एक बार उठ जाता है और फिर कुछ काम नहीं होता है तो फिर धरने का आयोजन कराने में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि धरना को प्रसारित करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए धरना वो लोग उठा नहीं रहे हैं और कुछ प्रशिक्षु लगातार वहाँ जमे हुए हैं कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि जब भी इस तरह का वीडियो आप लोग सामने दिखे शिक्षक भर्ती संबंधित, तो उसको आपको ज़रूर लाइक करना चाहिए। इससे रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुँचेगा और आपकी बात मजबूत होगी। तो चलिए पूरी खबर देख लीजिए। अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर मांगी है रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती से TET तक पर निर्णय जल्द। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के काम में आएगी तेजी। अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने कहा जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। यहां आप देख पा रहे होंगे DLED के प्रशिक्षु अभी भी रात और दिन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक वो उठेंगे नहीं। यहाँ देखिए, प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचार्य एडेड जूनियर हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में शिक्षकों प्रधानाचार्यों से लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT के आयोजनों को लेकर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर रिपोर्ट मांगी है। यहाँ देखिये, नई शिक्षक भर्ती के लिए बेमियादी धरने पर बैठे। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर DLED पास अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को दूसरे दिन पत्थर गिरजाघर पर धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 6 वर्षों से भर्ती नहीं आई है, लाखों बेरोजगार नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता धरने से नहीं उठेंगे। आयोग की अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का खाका, विवाद में न फंसे इसलिए सतर्कता बरत रहा है आयोग। कमेटियों की रिपोर्ट के बाद भर्तियों में आएगी तेजी। नई शिक्षक भर्ती के लिए DLED छात्रों ने दिया धरना। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी जिसे बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद लंबित और नई भर्तियों का खाका तैयार होने के साथ चयन प्रक्रिया में तेजी आने की बात कही जा रही है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार को मीडिया संवाददाता में कहा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराना और उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता में है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, इसके लिए 1,14,000 आवेदन पहुंचे हैं। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT PGT के 4,163 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, इसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षक भर्ती से लेकर UPTET तक में आएगी तेजी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बैठक में प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कई विषयों पर कमेटियां गठित कर स्पष्ट कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद विधिक पहलुओं को देखते हुए कार्य में तेजी लाई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT व प्रवक्ता संवर्ग PGT के 4,163 पदों पर पूर्व में लिए गए आवेदनों के क्रम में निर्णय लेने से पहले समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 2 वर्ष पूर्व लिए गए आवेदनों पर परीक्षा कराने के लिए विधिक राय ली जा रही है। इन पदों पर सत्यापन कराए या न कराने पर निर्णय समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग की बैठक में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इस आयोग के माध्यम से कराई जानी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रश्न पर अध्यक्ष ने बताया कि इसके अध्याचन के लिए शासन से वार्ता की जाएगी ताकि अध्याचन मिलने पर भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा सके। आयोग के सचिव मनोज कुमार शिवजी
मालवीय नवल किशोर मौजूद रहें।